Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं तुम्हें त्रिशूल तिलक लगाकर तुम्हें महंत घोषित करता हूँ। तू तो बड़ा सयाना निकला। अब मैं दुआ की माँ से कहूँगा, अब हम दुआ को जाने नहीं देंगे, है ना अम्मा? भाभी, नील भैजी और व्यास जी तो कभी ऋषिकेश आए नहीं। बापू भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? हेल्प, ये तो किसी ने खून से लिखा है। बहन जी, आप खाना किसके लिए पैक कर रही थी? आजकल अलग जी किसी के लिए टिफिन लेके जाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन। कहीं नील तो हेल्प नहीं मांग रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिक जी नील और बाबा के लिए टिफिन पैक करते हैं? क्या आफत है, आपके बेटे ने तो जिद पकड़ रखी है कि जब तक आपके हाथों से नजर नहीं उतरेगी तब तक ये कुछ नहीं खाएगा। अगर ये नहीं खाएगा तो फिर मैं भी नहीं खा पाऊंगी। मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट हलवा बनाती हूँ। मामी चलिए आप। पता नहीं शादी करना इतना जरूरी क्यों होता है। बार बार फूफा जी अलकामा को यही कहते रहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है बाबा से, तो उनका इस घर में कुछ भी नहीं है। काश काश बाबा और अलकामा की शादी हुई होती। काश किसी तरह से हम उन दोनों की शादी करवा पाते। मुझे तो हमेशा से एक बहन चाहिए थी। फ्रेंडशिप बैंड नहीं है ये, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए राखी है। हम दोनों भाई बहन है ना, तो ये इसका प्रतीक है। मुझे बुरा लग रहा था कि तुम भूखी हो। इतना केयर तो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की करते हैं, इसका मतलब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। सबसे घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है? करा देंगे शादी, मैं हेल्प कर सकती हूँ। तुम? लेकिन कहीं तुम्हारी माँ अगर तुम्हें ले गई तो? क्या आफत है, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें मंत बनाया फिर भी डर रहे हो। चलो प्रॉमिस बाबा, जब तक तुम्हारे अम्मी और अब्बू की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बस पक्का? हक्का बक्का पक्का। चलो अब मैं तुम्हें मिकी माउस की ड्राइंग बनाना सिखाती हूँ। चलो तुम दोनों जो चाह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। भले ही नीलकंठ जी ने मुझे अपना नाम दिया हो, लेकिन उनके दिल में बस एक ही लड़की बसती है और उसका नाम है चाहत। नीलकंठ जी के दिल से चाहत का नाम मिटाना नामुमकिन।
भैया प्लीज मेरी हेल्प करना कि मैं किसी भी हाल में नीलू और बाबा तक पहुंच पाऊं। मैं तुम्हें त्रिशूल तिलक लगाकर तुम्हें महंत घोषित करता हूं। मंदपद फिर से गवाने की सारी भड़ास मैं नीलकंठ पर निकालूंगा। ऐसा मारूंगा कि मर ही जाएगा। यही कहीं हालिक जी ने नील और पापा को छुपाया होगा। तो कोई नहीं है, ना नील ना बाबा। आलिक जी कहाँ है? साहिल, पक्का तुम्हें भरोसा है कोई पीछा कर रहा था? तो मैं वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपको पीछा करते हुए यहां पे कोई आ गया है? हमें यहां से फौरन निकलना पड़ेगा और नीलकंठ कौर महंत को यहां से निकालना पड़ेगा अभी। आप खोलो खोलो खोलो। अच्छा हुआ अलेक जी ने चाहत को नहीं देखा, वरना उन्हें पता चल जाता कि चाहत जिंदा है। बस कुछ ऐसा करना होगा कि आलिक जी चाहत को उस घर से बाहर कर दे। कौन था साहिल? कौन था वो? क्या नाम है उसका, आपको नौकर? तोप सिंह। क्या तोप सिंह? ये 2% के नौकर तोप सिंह का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। नवेली की भी जबान ज्यादा लंबी हो गई इस तोप सिंह के चक्कर में। इसीलिए तो कह रहा हूं निकालिए उसे नौकरी से बाहर। ऐसे नौकरों को क्या रखना,
इसका भरोसा ही ना हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।